हेलो स्टूडेंट्स लॉज ऑफ मोशन नीट के लिए एक अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं और मिलके करते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे इसको सॉल्व इज़ फायर्ड विद द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स प्रोजेक्टरी इट इज स्प्लिट इनटू थ्री सेगमेंट ऑफ मासेस एम एम एंड टू एम फर्स्ट पार्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड विद जीरो ठीक एंड सेकेंड पार्ट रिटर्न बाय सेम पाथ टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ठीक द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल थर्ड पार्ट सॉरी ऑफ मास टू जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन विल बी ये चार चॉइस दे रखे हैं तो जैसा क्वेश्चन में शुरुआत में कहा है वैसे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि हॉर्जेंटल से एक पार्टिकल को इनिशियल स्टी यू से थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया कर दिया साहब A uh, projectile is fired with initial velocity u at an angle theta with horizontal. Okay. At the highest point of its trajectory, तो so, highest point ye ho gaya trajectory ka It is split up into three segment of masses m, m and 2m. इसका मतलब इस जगह पे particle का mass क्या रहा होगा, body का mass क्या रहा होगा, split होने से पहले, जब three segments में divide हुआ m, m और 2m में. तो ये वाला मास 4m रहा होगा ठीक तभी तो तीन 3.2 टूट गया इसमें mm 2m में ठीक फर्स्ट पार्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी और पहला पार्ट जो है जब स्प्लिट हुआ इस हाईएस्ट पॉइंट पर तो पहला पार्ट जिसका मास m है उसकी वेलोसिटी थी जीरो और डाउनवर्ड थी नीचे की तरफ ऐसे और जो सेकेंड पार्ट है एंड सेकंड पार्ट रिटर्न वाया सेम पार्थ टू इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो वो वापस लौटा है जो थर्ड सेकेंड पार्ट है तो वो तभी लौट सकता है वापस जब उसकी हॉर्जेंटल वी ये वाली यू कॉस्टिटा है और ये इसकी कंप्यूट करें तो ये यू साइंटिटा है तो ये भी यू कॉस्टिटा होनी चाहिए जैसा कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंप्यूटिटी तो जीरो होती है और हॉर्जेंटल कम्प्यूटिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ 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 हर जगह पर हॉर्जेंटल कंप्यूटिटी कॉन्स्टेंट रहती है और हाइएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कम्प्यूटिटी जीरो जाती है तो मोवमेंट में तो चेंज आता है इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्योंकि वर्टिकल वर्टिकलबिटी चेंज हो रही है तो वर्टिकल में टूमेंट में चेंज आता है बट हॉरिजॉन्टल ड्रशन में मोमेंटम चेंज नहीं आता क्यों क्योंकि तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर तो क्या लिख सकते हैं कि इस जगह पर हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल कंप्यूटर जीरो हो जाती है तो यहां लिख सकते हैं केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल

तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इज अ वेक्टर फॉर्म में लिख ले लेता हूँ ये तो इनिशियल एक ही पार्टिकल है लेकिन ये तीन फ्रेगमेंट में टूट गया है इसीलिए उसे तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए यहां पे लिखो और हॉर्जेंटल लिख रहे हैं है ना पूरे सिस्टम का तो इस जगह पे हॉर्जेंटल लिखे हैं तो क्या लिखें फोर एम यू थीटा और ये आई कैफ एक्सएक्स में यूनिट वेक्टर जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्स में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो आई के और नेगेटिव में जो लेते हैं वो लेते माइनस आई के तो ये इतना हो गया और इसकी वेलोसिटी कितनी है जीरो है इसीलिए ये तो जीरो हो गया और इसका देखें तो ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है मास कितना है इसका एम है इसका भी तो इस वाले का जो मास था सेकंड वाले पार्टिकल का वो एम फर्स्ट का एम था फर्स्ट का जीरो हो गया मोमेंटम और सेकंड का जो मास है वो एम है इसीलिए उसे ले सकते हैं हम इसका भी मास M ही है तो ये ले सकते हैं प्लस का एम यू कॉस थीटा और माइनस का आई कैम और थर्ड पार्टिकल का हमें मोमेंटम निकालना है ऐसे तो इसको आप इधर ले आइए तो देखो ये माइनस का है तो इसको उधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा फोर एम यू कॉस्टीटा आई कैप प्लस एम यू कॉस्टीटा आई कैप इजल टू पी थ्री वैक्टर तो ये हो गया फाइव एम यू कॉस्थीटा आई कैप इजल टू इसको लिखे तो टू एम इन टू वी थ्री वैक्टर ठीक तो यहां से एम से एम कैंसिल हो गया फाइव बाई टू यू कॉस थीटा देट मीन्स वी थ्री वैक्टर तो इसका वी थ्री का मैगनी टूड ले लें अगर हम तो फाइव बाई टू यू कॉस थीटा देखो ये इसका आंसर होना चाहिए मैगनी टूड बाई इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा ठीक तो वर्टिकल डायरेक्शन में वैसे हाइस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंप्यूटिटी जीरो है हाइस्ट पॉइंट पर इसी लिए ये, यही आंसर होगा आपका वेलोसिटी का वर्टिकल तो है नहीं ओनली औरटल होगी इस जगह पर और निकल के भी आई आई कैप में ठीक पढ़ते रहिए और खुश रहिए